अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए दो स्टेज होंगे इसमें, पेपर वन जो कंप्यूटर बेस्ड है, दूसरा भी है वो होगा अप्रैल से मई के बीच में। दो स्टेज हैं, पेपर वन है और फिर अगली बार अगर आप क्वालिफाई करेंगे पेपर वन वाला फर्स्ट स्टेज को, फिर सेकेंड स्टेज आपको मिलेगी। उसके बाद ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। पहले तो सैलरी की बात करें तो 7 पे के अकॉर्डिंग 19,900 मिनिमम आपको इतना मिलना ही मिलना है, प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एज जो है 18 से 28 ईयर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने अभी बताया आपको दो स्टेज है एग्ज़ाम में, ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड है, सेकेंड स्टेज भी है क्या कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, दोनों टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए, ठीक है। अब जो पहला वाला क्वालिफाई करेगा उसको दूसरे वाले स्टेज में एंट्री मिलेगी, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आरआरबी में अप्लाई करना है तो कोई पर्टिकुलर आरआरबी के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप आरआरबी भोपाल से अप्लाई कर रहे हैं तो केवल वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए कही गई है इसमें। इसके अलावा 15 टाइम बोला है सेकेंड स्टेज में आपको बुलाएगा वैकेंसी के, अगर जैसे आपके मान के चलिए भोपाल से 300 वैकेंसी तो इसका 15 टाइम्स हो जाएगा, 15 या 4500, तो 4500 लोगों को सेकेंड स्टेज के लिए अपीयर करने को बोला गया है, ठीक है। 15 गुना बुलाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। तो फर्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सेकेंड स्टेज इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग की गई है। जितने भी मार्क्स अलॉट होंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1/6 की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मतलब 0.66 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वैकेंसी देख लेते हैं अलग अलग, जैसे भोपाल जोन से है WCR से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे से और वेस्ट रेलवे से 384 है जनरल की, लोको पायलट की, ठीक है, 766 टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा आप पूरी वैकेंसी देख सकते हैं डिटेल में, मेरे से आप नोटिफिकेशन ले लीजिएगा व्हाट्सअप करके, और ये पूरी वैकेंसी आप देख सकते हैं 26,502 वैकेंसी हैं। लोको पायलट की अप्रॉक्स 17,673 है और टेक्नीशियन की 8,829, ठीक है। तो एज लिमिट मैंने आपको बताई दी 18 से 28। इसके अलावा एज लिमिट में छूट भी है कैटेगरी वालों को, SC ST को, OBC को, सबको, एक्स सर्विसमैन को। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन के लिए इसने बताया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू NX1 रेफर करना पड़ेगा, उसमें हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। और यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन टेक्निकल शुड नॉट अप्लाई, ठीक है, एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल नॉट अप्लाई, ठीक है, जिनका रिजल्ट फाइनल ईयर का भी वेटिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो बच्चे ना अप्लाई करें जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा ITI पोस्ट टेक्नीशियन अनलेस अदरवाइज ग्रेजुएट एक्ट विल बी नॉट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ क्रोर्स, ITI आपका टेक्नीशियन के लिए मांगा है इसमें, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है डिग्री और डिप्लोमा नॉट एक्सेप्ट है अप्रेंटिस कोर्स के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा कैटेगरी की जो फीस की बात करूँ तो मैं 500 रुपये फीस है जनरल के लिए और बाकी के लिए 250 फीस है, ठीक है, कैटेगरी के लिए 250, जनरल कैटेगरी के लिए 500 है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम पहले स्टेज की, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 60 मिनट का टाइम है आपका, 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मिनिमम 40% आपको स्कोर करना है जनरल के लिए, मिनिमम बता रहा हूँ, ये मेरिट बनाई जाएगी इसके बाद भी, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन ही होंगे पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो सेकेंड स्टेज में जाएगा। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा तो उसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मैंसुरेशन, टाइम, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, या कुल मिला के मैं कहूँ पूरा मैथमेटिक्स ही इसने दे दिया है। उसके बाद सेकेंड सेक्शन जो है जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का है, इसमें एनोलॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वीन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सुफेंसी, और इसके अलावा कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग वाले हो गए, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और अजप्शन,
तो ये पूरी रीजनिंग ही कंक्लूड कर दी। उसके अलावा साइंस की बात कर रहे हो तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा 10th क्लास के लेवल का, ठीक है, 10वीं तक का आपको पढ़ना है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट जो चल रहा है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर में, पर्सनालिटीज़ में, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में, तो इसमें आपको पढ़ना होगा। ये सिलेबस है हमारे फर्स्ट स्टेज का। आप देखिए जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करेगा उसको सेकेंड स्टेज देने मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वही बताया गया है कि 15 टाइम्स जो है टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर सेकेंड स्टेज, ठीक है, तो 15 गुना आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब इसमें जो है 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है, इसमें दो सेक्शन होंगे सेकेंड स्टेज में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो सेक्शन है, और 2.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट का। अब पार्ट 1 में क्या है वो देखते हैं। पार्ट 1 जो है 90 मिनट का है, इसमें क्वेश्चन जो है 100 है, 100 क्वेश्चन है, और मिनिमम वही बताया है, लेकिन यहाँ पे भी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 2 जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, सब्जेक्ट कंडीशन डेट कैंडिडेट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 2, ठीक है, तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है पार्ट 2। अब मैथमेटिक्स का वही सिलेबस है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, जो मैंने पहले बताया आप देख सकते हैं। प्री का भी वही सेम है और ये स्टेज 2 का भी सेम ही है। इसके अलावा अब देख सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो में और बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 भी 60 मिनट का रहेगा, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम मार्क्स जो हैं 35% है, ठीक है, क्वालिफाइंग, और ये जो पार्ट है क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसके अलावा जो ट्रेड का सिलेबस रहेगा वो आपको DGET की साइट पे मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की डायरेक्टर जनरल में, उसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रेड का। अब देखिए इसमें बोला सेक्शन फॉर्म जो रहेंगे, या तो आपकी डिग्री है तो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से, या हायर सेकेंडरी है तो आपके हायर सेकेंडरी से रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे इसने बाकायदा बताया है, अगर आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री है इलेक्ट्रिकल इसमें, तो आपका ये ट्रेड में आपका हो सकता है, इस सिलेक्ट में आप हो सकते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में या मैकेनिक रेडियो टीवी में हो सकते हैं, मैकेनिकल में तो फिटर, और इसमें टेक्नीशियन में आप हो सकते हैं कैटेगरी में। 10 और 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री से की गई है तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक वायरमैन में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड इसके बाद हो गया, वो जो रहेगा ये बैटरी टेस्ट करके होता है एक, ठीक है, बैटरी टेस्ट, इसमें आपकी विजिबिलिटी टेस्ट की जाती है, तो ये लोको पायलट बस के लिए होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें मिनिमम 42 मार्क्स होने चाहिए बैटरी टेस्ट में, इसमें लिखा गया है साफ साफ कि जो होंगे 42 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए बैटरी टेस्ट पास करने के लिए, तो ये होगा इसमें बाद की बात है ये, ठीक है, लास्ट स्टेज की बात रहेगी। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड मैंने टेस्ट आपको बता ही दिया कि क्या क्या इसमें आना है, इसके अलावा ये पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन में समझा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं ऐसे नोट्स दूंगा कि आपके पूरा यूसी से आएगा, ठीक है, तो आप नोट्स लें, वीडियो लेक्चर की डिमांड